ओम नमः शिवाय मित्रों, मां नरेश श्रृंगार से मैं केवट ग्राम मकावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि घर में कितने इंच तक घर में शिवलिंग रखा जाता है और कौन सा शिवलिंग घर में रखना सर्वश्रेष्ठ होता है और शिवलिंग कहाँ से और कैसे प्राप्त होता है और शिवलिंग के बारे में फायदे हम जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के आप अंत तक बने रहे ताकि मैं इस वीडियो के हर एक शिवलिंग की आपको जानकारी अच्छे से दे सकूं। तो दोस्तों, आप भी ऐसा शिवलिंग घर में रखना चाहते हो तो मेरे से एक बार कॉन्टेक्ट करें, कॉल करें या व्हाट्सअप करें या ईमेल करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मेरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तो घर में कितने इंच तक घर में रखा जाता है शिवलिंग। तो घर में 1 इंच से लगाकर 6 इंच तक रखा जाता है। निर्देश शिवलिंग होता है 6 इंच बोले तो ये एक जो डिब्बा है 1 इंच हो जाता है, 2 डिब्बे 2 इंच, तो ऐसे हमें 6 डिब्बे 6 इंच तक रख सकते हैं। तो ये आप सब शिवलिंग देख रहे हैं, ये घर में रखने के योग्य सर्वश्रेष्ठ निर्देश शिवलिंग है जो बहुत ही आकृतिजनक एंटीक यूनिक तिलकधारी अर्धनारीश्वर जनेऊधारी पीतांबर नीलकंठेश्वर जनेऊधारी बहुत ही कलर वाले एक बिंदु वाले ओम वाले बहुत सारे शिवलिंग आपको दिखने को मिलेंगे। मैं आपको सभी शिवलिंग के बारे में बताऊंगा। इसमें स्पेशल शिवलिंग होते हैं इस टाइप में जो बहुत ही लाखों और करोड़ों शिवलिंग में से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैंने बता दिया कि घर में 1 से 6 इंच तक रखा जाता है और ये सभी शिवलिंग 1 से 6 इंच के अंदर है, इसमें से कोई सा भी शिवलिंग 1 इंच से 6 इंच से ऊपर नहीं है। दोस्तों, जो हमारा शिवलिंग जो नवदेश शिवलिंग है ये बकावा गांव में मिलता है, जो बकावा जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास है खरगोन जिले में है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इन शिवलिंगों के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो, ये बहुत ही प्यारा और यूनिक नर्मदेश शिवलिंग है जो येलो और रेड में जनेऊ कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा 3 इंच का नर्मदेश और शिवलिंग। ये देखिए, इस शिवलिंग को देखा जाए तो ये दोनों तरफ से रखा जा सकता है। इस शिवलिंग को ऐसा भी रख सकते हैं और इस शिवलिंग को ऐसा भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक बने रहे, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये वाला शिवलिंग बहुत वेरी पावरफुल नर्मदेश शिवलिंग रेड कॉम्बिनेशन विद जनेऊधारी नर्मदेश शिवलिंग। ये देखिए, इसमें जनेऊ ब्रह्मांडेश्वर जनेऊधारी बनी हुई है। इसमें देखने पर ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मांड को देख रहे हो। ये देखिए, शिवलिंग 4 इंच का है जो इसी शिवलिंग को भी घर में 2 तरीके से रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें एक बिंदु बना हुआ है रेड वाला येलो और रेड और इसमें थोड़ा हल्का वाला व्हाइट का कॉम्बिनेशन बना हुआ। ये देखिए शिवलिंग, इस शिवलिंग में ये ब्लैक मधु कलर में, मतलब इस शिवलिंग में येलो शिवलिंग के अंदर महादेव बना हुआ है। ये देखिए, शंकर जी शिवलिंग के अंदर इस शिवलिंग बना हुआ है। ये देखिए, एक शिवलिंग 5 इंच का है। ये देखिए, इसमें एक जनेऊ बनी हुई है जो बहुत ही प्यारा देखने में लगता है। इसे जल में देखने पर बहुत ही प्यारा और अति सुंदर दिखाई देता है। ये शिवलिंग देखिए, तिलकधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये इस शिवलिंग को महाकालेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। इन्हीं शिवलिंग को महाकालेश्वर शिवलिंग बोलते हैं। ये देखिए, इसमें पीले कलर से एक तिलक बना हुआ है जो हम हमारे सर मस्तक पर भी लगाते हैं और जिससे हमें शांति प्राप्त होती है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा और यूनिक नर्मदेश शिवलिंग। मेरा वीडियो बड़ा होगा लेकिन बहुत ही लाभदायक होगा, प्लीज़ जरूर वीडियो को अंत तक बने रहे। ये देखिए, इस शिवलिंग को देखने से ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मांड को देख रहे हो। ये देखिए, इस शिवलिंग को देखने से ऐसा लगता है पूरे जनेऊधारी बनी हुई है, इसमें एक बिंदु है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा और लाभदायक नर्मदेश शिवलिंग। और आपको दिखाता, ये देखिए, बहुत ही प्यारे नर्मदेश शिवलिंग 6 इंच का शिवलिंग है जो घर में रखने के लिए बहुत ही अच्छा और यूनिक होता है। ये शिवलिंग देखिए, इसमें भी जनेऊ बनी हुई है। ये देखिए, नीलकंठ महादेश्वर, ये नीलकंठ वाले महादेव है। ये देखिए, बहुत
बहुत ही प्यारा और नीलकंठ वाले हैं जो पूरे ग्रीन है, ऐसे शिवलिंग नहीं मिलते, देखने को भी नहीं मिलता इतने प्यारे और निर्देश शिवलिंग। ये देखिए चंद्रमा वाला शिवलिंग, ये इसमें हाफ चंद्रमा बना हुआ है। ये देखिए इसमें भी रेड मधु कलर और कॉम्बिनेशन है। ये वाला शिवलिंग देखिए बहुत ही प्यारा और यूनिक निर्देश शिवलिंग। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ये हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और लाइक करके शेयर कर देना प्लीज़। धन्यवाद मित्रों, हर हर महादेव, घर घर महादेव।